स्वागत है आपका लोकमत न्यूज हिंदी में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आज हम बात करेंगे कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हां, 12 मई को राज्य में मतदान है और वोटिंग होनी है। हर बार की तरह इस बार भी तीन पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला है, बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के बीच। लोकमत की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम उन नेताओं के बारे में आपको बताएंगे जो इस चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है बीएस येदुरप्पा का। जी हाँ, बीएस येदुरप्पा वही नेता हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में सबसे पहले भगवा का झंडा लहराया था। तो आइए जानते हैं हम स्पेशल रिपोर्ट में उनके राजनीतिक सफर के बारे में। येदुरप्पा का जन्म 27 फरवरी 1943 को बुकानाकरी गांव में हुआ था। कॉलेज के दिनों से ही वो आरएसएस से जुड़ गए थे। 1983 में येदुरप्पा ने शिकारीपुरा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1994 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी बनी और येदुरप्पा नेता विपक्ष चुने गए। येदुरप्पा 1999 में अपनी ही सीट शिकारीपुरा से चुनाव हार गए, लेकिन अगले ही चुनाव में उन्होंने ये सीट दोबारा हासिल कर ली। येदुरप्पा शिकारीपुरा सीट से अब तक 8 बार विधायक रह चुके हैं। 2004 के कर्नाटक चुनाव में येदुरप्पा के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2004 का चुनाव बीजेपी और येदुरप्पा के लिए खुशखबरी तो लेकर आया, लेकिन ये खुशी सिर्फ पल भर की थी। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी होने के बावजूद भी उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ा और कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बना ली। लेकिन येदुरप्पा ने इतने पे हार नहीं मानी। उन्होंने दो सालों में ही कांग्रेस और जेडीएस की सरकार को गिरा दिया और 2007 में जेडीएस और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई, जिसमें समझौता ये हुआ था कि 20-20 महीने के लिए मुख्यमंत्री को बदला जाएगा। लेकिन जैसे ही जेडीएस के कुमार स्वामी का कार्यकाल खत्म हुआ और बीजेपी का कार्यकाल आया, कुमार स्वामी ने अपना इरादा बदल लिया और उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने से मना कर दिया। कुमार स्वामी का यह धोखा येदुरप्पा के लिए सही साबित हुआ। बीजेपी को 2004 से ज्यादा सीटें मिली। साल 2008 में कर्नाटक विधानसभा की स्थिति कुछ ऐसी थी, कुल सीटें 224, बीजेपी 110, कांग्रेस 80, जेडीएस 28, अन्य 6। पहली बार दक्षिण भारत के किसी राज्य में बीजेपी की सरकार बनी थी। बीएस येदुरप्पा राज्य के मुख्यमंत्री बने। येदुरप्पा ने दक्षिण भारत में भगवा लहरा तो दिया, लेकिन सत्ता की राह उनके लिए कंटीली साबित हुई। कुछ ही सालों में उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने लगे। साल 2011 में कर्नाटक के लोकायुक्त ने भूमि और खदान आवंटन में मुख्यमंत्री येदुरप्पा की भूमिका पर सवाल खड़ा कर दिया। बीजेपी आलाकमान के दबाव में येदुरप्पा को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। येदुरप्पा ने इसे निजी अपमान के तौर पर लिया और सीएम का पद छोड़ने के अगले ही साल पार्टी भी छोड़ दी। साल 2013 का कर्नाटक चुनाव बीजेपी और येदुरप्पा दोनों के लिए अग्नि परीक्षा जैसी स्थिति थी। बीजेपी को यह साबित करना था कि वो कर्नाटक में येदुरप्पा के बिना भी सरकार चला सकते हैं। वहीं येदुरप्पा का पूरा राजनीतिक सफर दांव पर लगा हुआ था। चुनाव के नतीजे आए तो, लेकिन बीजेपी की सीटें 110 से घटकर 40 हो गई। येदुरप्पा की नई नवेली पार्टी को 9% से ज्यादा वोट आए। येदुरप्पा हार कर भी जीत गए। 2014 में येदुरप्पा संसद तो पहुंच गए, लेकिन बीजेपी के आला कमान को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि कर्नाटक में येदुरप्पा के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। शायद यही वजह है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में बीजेपी ने बिना सीएम कैंडिडेट घोषित किए ही चुनाव लड़े और वो जीत भी गए। लेकिन वो येदुरप्पा पे कितने निर्भर हैं, ये इस बात से ही पता चलता है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने 2017 में ही चुनाव के पहले येदुरप्पा को कर्नाटक का सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया था। 75 साल के येदुरप्पा कर्नाटक में जी जान से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इस बार भी वो कर्नाटक में भगवा झंडा लहरा पाएंगे या नहीं, ये तो 15 मई को चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चले। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहें लोकमत न्यूज हिंदी के साथ और YouTube पे हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पे भी हमारा पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।